मंडल बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को ऊना जिला मुख्यालय पर स्थित पार्टी कार्यालय दीपकमल परिसर में हुई। इस मौके पर स्थानीय विधायक सतपाल सिंह सत्ती मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने इस बैठक की अध्यक्षता की। विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की बात कही। जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आप लोग वृक्षारोपण का काम करें ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। आप लोग देखते हैं कि इस बार कितनी गर्मी पड़ी, कितनी लंबा कार्यकाल हुआ गर्मी का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में भी बारिशें नहीं पड़ी, अभी अगस्त भी ऐसे ही चल रहा है। तो ये सारा पर्यावरण बिगड़ा है, तो पर्यावरण को वृक्षारोपण करके, पेड़ लगा करके ही सुधारा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि एक पेड़ माँ के नाम, ऐसा करके एक अभियान चल रहा है। तो ऊना विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता भी अपने अपने गांव के अंदर जहां भी गवर्नमेंट के माध्यम से हमें उसके नर्सरी वगैरह से जहां से पेड़ उपलब्ध हो पाएंगे, तो ग्राम पंचायतों के अंदर, नगर परिषदों के अंदर हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाएंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने बताया कि बैठक का मुख्य मुद्दा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्य हैं। ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए उपलब्ध धनराशि को आवश्यक रूप से उन कामों के लिए खर्च किया जाएगा और इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों को विशेष हिदायत भी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग गांवों के अंदर जो हमारे प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, उन लोगों से आग्रह किया गया है कि जो भी पैसा हमारे पास डेवलपमेंट के लिए आया है, वो चाहे MP फंड से आया, चाहे MLA फंड से आया, चाहे डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से SDP का आया है, या फिर 15वें वित्त जो का है, उसको हम लोग लगाएं ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। डेवलपमेंट के काम रुकने नहीं चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट आए, जितना पैसा गांव में आता है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। इसके साथ ही विधायक ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाने की भी बात कही। उसी कड़ी में हर साल हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं हर घर तिरंगा, ऐसा करके एक अभियान चलता है। उसी कड़ी में सब कार्यकर्ताओं से निवेदन किया गया है कि आप लोग तिरंगा लेकर के अपने अपने घर के ऊपर उसको आदरपूर्वक लहराएं, ताकि जिन शहीदों ने हमें आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका अदा की है, उन शहीदों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। बता दें, बीजेपी युवाओं को नशे से सुरक्षित रखने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। साथ ही बीजेपी महिला मोर्चे की कार्यकर्ताएं घर से दूर बैठे लोगों को राखी भी बांधेंगी। सूर्य समाचार के लिए ऊना से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।